कर देती हूँ पहले, लेट मी समराइज जो हमने पढ़ा था कल, उसको मैं समराइज कर देती हूँ, ठीक है? मैंने आपको कल बोला था स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, यस्टरडे आई टोल्ड यू अबाउट स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन्स की स्टेबिलिटी को, फॉर एग्जांपल ये मेरा एक कार्बोकैटायन है, दिस इज एनी कार्बोकैटायन CH2+ राइट, तो इस कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को कौन से ग्रुप बढ़ाएंगे? अगर मैं इस कार्बोकैटायन पे जी ग्रुप लगाती हूँ, डोनेटिंग ग्रुप, कौन से ग्रुप लगाऊंगी? जी डोनेटिंग ग्रुप्स, कैसे कि कौन से इफेक्ट वाले, प्लस आर वाले, प्लस एच वाले एंड प्लस आई वाले, राइट, दे विल इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आर, प्लस एच एंड प्लस आई, इसके हमने क्वेश्चन भी किए थे। फिर आपको ध्यान क्या रखना है, रेजोनेंस और हाइपर कंजुगेशन इट वर्क्स ओनली एट ऑर्थो एंड पैरा, ऑर्थो एंड पैरा पे ही ये काम करता है विद इक्वल इंटेंसिटी, ऐसा नहीं होता ऑर्थो ऑर्थो वाला जो रेजोनेंस होगा वो ज्यादा होगा या पैरा वाला ज्यादा होगा, ऐसा नहीं होता, इट इज इक्वल इन इंटेंसिटी। इंडक्टिव इफेक्ट अनइक्वल होता है ऑर्थो पे सबसे ज्यादा, सबसे पहले तो इप्सो पोजिशन होती है उस पर सबसे ज्यादा, देन ऑर्थो पे, देन मेटा पे, देन पैरा, ठीक है? तो पहले आप इफेक्ट्स देख लो, जो भी आपने ग्रुप लगाया इसका प्लस आर लग रहा है, अगर प्लस आर लग रहा है तो इसको स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी कार्बोकैटायन। सिमिलरली अगर आप कार्बन एनायन देखते हो, इफ आई टेक कार्बन एनायन, इसका एकदम ऑपोजिट हो गया, CH2- है, अगर या कोई भी कार्बन एनायन है, ठीक है, तो उसका एकदम ऑपोजिट मीन्स आपके जो ग्रुप्स होंगे वो कैसे होने चाहिए, माइनस आर वाले, माइनस आई वाले और माइनस एच वाले, ठीक है? ये जो ग्रुप्स हैं, ये जो ग्रुप्स हैं आपके कार्बन आयन के लिए, ये कैसे होने चाहिए, माइनस आर वाले, माइनस एच के लिए और माइनस आई, फॉर इंक्रीजिंग द स्टेबिलिटी। देखो प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज का मतलब क्या है, इसके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की कमी है, तो इसको कहीं से भी इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो न्यूट्रल हो जाए, इसीलिए प्लस आर, प्लस एच, प्लस आई सीएच कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को बढ़ाते हैं। और सीएच टू माइनस मीन उसके पास चार्ज ज्यादा है, तो कैसे भी करके ये अपना चार्ज दे दे तो क्या हो जाएगा, इसके अंदर न्यूट्रल, हमें क्या न्यूट्रलिटी की तरफ जाना है, या तो प्लस चार्ज के अंदर चार्ज कुछ इलेक्ट्रॉन आ जाए बाहर से तो वो न्यूट्रल हो जाएगा, और नेगेटिव जो चार्ज है वो अपने इलेक्ट्रॉन दे दे तो वो न्यूट्रल हो जाएगा। तो बस हमें यही करना है, हमें न्यूट्रलिटी की तरफ जाना है, चार्ज एक टाइप का दुख है, हम लोगों को चार्ज को मिटाना है, बस यही अपना मेन कंसेप्ट था, ठीक है? अब देखो कुछ एक क्वेश्चन और करा देती हूँ मैं, एक दो क्वेश्चन, जो क्लोरो हमारे जो हेलो डेरिवेटिव थे वो रह गए थे कल। देखो ये CH2+ है, CH2+ कार्बोकैटायन नहीं करते हो, कार्बन आयन का एकदम ऑपोजिट हो जाएगा इसका, ठीक है? CH2+ सिंपल कर लो, देन CH2+ इसका ऑर्थो डेरिवेटिव, ऑर्थो क्लोरो ले लो, देन इसका मेटा ले लो, फटाफट मुझे इसका स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन का ऑर्डर बता दो, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। यस जल्दी से बता दो। देखो मैं थोड़ा सा बता देती हूँ हेलोजन्स का, हेलोजन्स का इफेक्ट कौन कौन से होते हैं। हेलोजन्स के पास लोन पेयर होता है एक्स, ये हेलोजन इसके पास लोन पेयर है, लोन पेयर है इनके पास, किसी के साथ भी जुड़ रहे हो मान लो किसी के साथ भी, ठीक है, इनके पास लोन पेयर है, तो जिस जब भी डायरेक्टली अटैच एटम के पास लोन पेयर होता है वो कौन सा इफेक्ट शो करता है, प्लस आर, आई टोल्ड यू अर्लियर आल्सो प्लस आर, और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है एज कम्पेयर टू कार्बन, इसीलिए इसका इफेक्ट कौन सा है, माइनस आई, तो हेलोजन्स का प्लस आर और माइनस आई इफेक्ट होता है, मीन डायरेक्टली इफेक्ट उसका प्लस आई है और उसका इंडक्टिव इफेक्ट कैसा, माइनस इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है? फिर मैंने आपको बताया था इसमें अब नॉर्मल इफेक्ट्स में करवाया था हेलोजन्स के, कि जो फ्लोरो डेरिवेटिव होते हैं ना, फ्लोरो डेरिवेटिव इनका प्लस आर ज्यादा होता है किससे, माइनस आई से, प्लस आर किससे ज्यादा होता है, माइनस आई से, जबकि आपका क्लोरो ब्रोमो आयोडो को, आयोडो का आपका माइनस आई ज्यादा होता है, तो क्लोरो ब्रोमो और आयोडो में आपको रेजोनेंस तो देखना ही नहीं है, क्योंकि उसमें रेजोनेंस का जो इफेक्ट है वो कम होता है एज कम्पेयर टू इंडक्टिव इफेक्ट, ये एक्सेप्शन है, ये आपको याद ही रखना है, ठीक है? ठीक है भाई, क्लोरो ब्रोमो एंड आयोडो इनका प्लस आर का इफेक्ट माइनस आई से हमेशा ही कम होता है,
आप प्लस आर को देखो ही मत, मीन्स इन ये जो आपने आपको मैंने क्वेश्चन दिए एबीसीडी, इनमें आपको प्लस आर देखना ही नहीं है, बिकॉज क्लोरीन के केस में प्लस आर का इफेक्ट माइनस आई से कम होता है, तो इसमें ओनली आप माइनस आई ही देखो। अब देख लो माइनस आई कहाँ ज्यादा लग रहा है, कहाँ कम लग रहा है। देखो ये ऑर्थो पोजिशन है, यहाँ पे तो कोई इफेक्ट नहीं है, यहाँ पे क्या है माइनस आई लग रहा है, ऑर्थो पे सबसे ज्यादा लगेगा, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस, तीनों जगह लग रहा है, ऑर्थो मेटा पैरा सब जगह लग रहा है। अब हमें क्या देखना है, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी। कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को माइनस है क्या करेगा, कम करेगा ना, एक तो वैसे ही पॉजिटिव चार्ज और ऊपर से आपने विड्रॉइंग ग्रुप लगाया तो कम करेगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, सबसे ज्यादा स्टेबल तो सिंपल वाला हो गया, ए वाला, ए वाला हमारा सबसे ज्यादा क्या हो गया स्टेबल, क्योंकि उसमें माइनस आई वाला कोई भी ग्रुप नहीं जुड़ा है, क्योंकि बी सी डी में माइनस आई के क्लोरो 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 जुड़े हुए, राइट। तो ए हमारा सबसे ज्यादा स्टेबल हो गया, ठीक है। सेकंड देखो, अब माइनस आई सबसे ज्यादा कहाँ लगता है, ऑर्थो पे लगता है, ऑर्थो पे सबसे ज्यादा माइनस आई लगता है तो सबसे कम स्टेबल होगा, तो सबसे कम माइनस आई कहाँ लग रहा है, पैरा पे, तो सबसे ज्यादा डी, देन योर सी, देन योर बी, ठीक है। सबसे ज्यादा ऑर्थो आपका जो माइनस आई है ऑर्थो पोजिशन पे लगता है, इसलिए उसकी स्टेबिलिटी सबसे कम, क्योंकि कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को माइनस आई इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को प्लस आई बढ़ाता है और माइनस आई उसको कम करता है, ठीक है भाई। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर, किसी ने आंसर नहीं दिया इसका, यस। यस और नो बोलो भाई, रिप्लाई करो, समझ में आया, इज इट क्लियर और आई शुड रिपीट इट अगेन। ओके क्लियर, ठीक है। आगे देखो, अगर मैं यहाँ लगा देती हूँ फ्लोरो, अब मैंने क्या लगा दिया यहाँ पे फ्लोरो, अब आपको क्या देखना, अब बताओ मुझे ऑर्डर। फ्लोरो में ध्यान रखना प्लस आर का इफेक्ट माइनस आई से ज्यादा होता है, ठीक है, उसी से आप क्वेश्चन करो। यहाँ पर मैंने लगा दिया फ्लोरो, ठीक है, क्लोरीन की जगह फ्लोरो लगा लो, अब मुझे आंसर बता दो फटाफट। अगर क्लोरीन की जगह मैंने फ्लोरो लगा दिया, देन आपका ऑर्डर क्या होगा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। फ्लोरो फ्लोरो फ्लोरो, ठीक है, यस, जल्दी से बताओ भाई आंसर। सबसे ज्यादा किसका होगा, फटाफट बता दो भाई, पहले इफेक्ट, सबसे पहले इफेक्ट लिखा दो, जैसे मैंने लिखा ना प्लस आर कहाँ लग रहा है, माइनस आई कहाँ लग रहा है, फिर आपको फ्लोरो में क्या देखना, प्लस आर और माइनस आई जहाँ पे लग रहा है वहां पे डोमिनेटिंग आपको प्लस आर को करना है, ठीक है। इस तरह से करो, फटाफट करो, जल्दी से आंसर बताओ भाई, विच कार्बोकैटायन विल बी मोर स्टेबल। यस, BDCA, ओके, और बताओ, BDCA, और बताओ भाई कोई और, कोई DBCA वाला नहीं है, DBCA वाला DBCA, हाँ DBCA। अब जो BDCA बोल रहे हैं वो देखो D का ज्यादा क्यों होगा, एक बार सोचो D का ज्यादा क्यों होगा, आशीष प्रिया हेतल, देखो सोचो एक बार, मैं कह रही हूँ D का ज्यादा होगा, क्यों स्टेबिलिटी ज्यादा क्यों होगी D की, सोचो एक बार। माइनस आई इफेक्ट है ना, वो कम करेगा ना, प्लस आर तो B और D में सेम है। यस, देखो भाई फर्स्ट में कोई इफेक्ट नहीं है, फर्स्ट में कोई भी इफेक्ट नहीं, राइट, सिंपल, ठीक है। सेकंड में क्या लग रहा है, प्लस आर लग रहा है और माइनस आई लग रहा है, ठीक है। थर्ड में ओनली माइनस आई लग रहा है, फोर्थ में प्लस आर और माइनस आई दोनों लग रहा है,
ठीक है। अब देखो मैंने आपको क्या बोला, जब प्लस आर और माइनस आई लगते हैं फ्लोरो के डेरिवेटिव, प्लस आर डोमिनेटिंग होता है किससे, माइनस आई से, ठीक है। दैट मींस बी और डी में ओनली आपको प्लस आर देखना है, प्लस आर और माइनस आई आपको देखना है, ठीक है। अब बी और डी में प्लस आर तो कॉमन हो गया, बिकॉज ऑर्थो पे और पैरा पे प्लस आर की जो इफेक्ट होता है बराबर लगता है, इक्वल इंटेंसिटी लगती है। दैट मींस बी और डी में तो रेजोनेंस इफेक्ट कॉमन हो गया, तो अब बचा क्या, माइनस आई बचा। अब माइनस आई देख लो फ्लोरो का कहाँ रहेगा, ऑर्थो पे ज्यादा रहेगा कि पैरा पे ज्यादा रहेगा, ऑर्थो पे ज्यादा रहेगा तो इसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, तो डी सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, फिर बी हो जाएगा, ठीक है। अब माइनस आई देख लो, माइनस आई क्या करता है, कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी को कम करता है, सी वाला और सिंपल वाला, तो पहले ए आ जाएगा फिर आपका सी आ जाएगा, ठीक है। इज इट क्लियर? प्लस आर आपकी स्टेबिलिटी को बढ़ाता है और माइनस आई आपकी स्टेबिलिटी को कम करता है, और प्लस आई इंक्रीज करता है, माइनस आई आपकी स्टेबिलिटी को डिक्रीज करता है, राइट। लेकिन इसमें प्लस आर लग रहा था, लेकिन प्लस आर बी और डी में कॉमन हो गया, उसमें फिर जब हमारा कोई कॉमन इफेक्ट हुआ तो फिर हम नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, पहले हम रेजोनेंस देखते हैं, फिर हम हाइपर कॉन्जुगेशन देखते हैं, देन वी मूव टू इंडक्टिव इफेक्ट। रेजोनेंस देखा कि वो कॉमन है, देन हम किस पे जाएंगे, हाइपर कॉन्जुगेशन, तो हाइपर कॉन्जुगेशन यहाँ पे है ही नहीं, फ्लोरो डेरिवेटिव जुड़ा है, अगर हाइपर कॉन्जुगेशन ये नहीं, नेक्स्ट हम किस पे मूव करेंगे, इंडक्टिव इफेक्ट पे, फिर इंडक्टिव इफेक्ट देखेंगे, ठीक है भाई, क्लियर? ऐसे गलती नहीं करना है, ठीक है, क्लियर? इज क्लियर आपको प्रिया, हेतल, आशीष, जिन्होंने गलत आंसर बताया? यस मैम, यस मैम, ओके ओके, चलो नेक्स्ट। तो ये मैं आपको कार्बोकैटायन कार्बोनायन की स्टेबिलिटी ऑलमोस्ट आपकी मैंने बता दी कि आप जितने क्वेश्चन कर सकते हो उतने कर लेना। देखो एक चीज और, जब भी ऐसा ग्रुप होता है ना इस टाइप के, जैसे माइनस और प्लस आपके डबल बॉन्डेड कार्बन के होते हैं, जैसे प्लस हो यहाँ पे माइनस हो, तो इस टाइप के जो भी ग्रुप्स होते हैं ना इनमें ओनली इंडक्टिव इफेक्ट देखते हैं, ओनली इंडक्टिव इफेक्ट इज सीन, ओनली इंडक्टिव इफेक्ट, ध्यान रखना ये, ठीक है। ओनली जैसे मान लो आपको स्टेबिलिटी का मैंने ऑर्डर पूछा, ये सी एच थ्री है मान लो, यहाँ पे मैंने माइनस चार्ज लगाया, ठीक है, फिर यहाँ पे लगा दिया, ऑर्थो पे लगा दिया, मेटा पे लगा दिया, मीन्स आपके डबल बॉन्डेड कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, तो इसमें जो सी एच थ्री ग्रुप है इसका प्लस एच मत देखना, नेवर, क्योंकि क्या होता है ये जो प्लेन में होता है ये आउट ऑफ प्लेन चले जाते हैं, ठीक है। तो इसमें ओनली आपको क्या देखना है, सी एच थ्री का कौन सा इफेक्ट देखना, ओनली प्लस आई, प्लस आई देखना, यहाँ पे सी एच थ्री का कौन सा इफेक्ट देखना, ओनली प्लस आई, प्लस आई ऑर्थो पे ज्यादा लगेगा, ठीक है, ठीक है भाई, ये ध्यान रखना। जब भी आपके रिंग के ऊपर प्लस और माइनस, वैसे ये बहुत अनस्टेबल होते हैं, आपको पता ही है प्लस और माइनस बहुत अनस्टेबल होता है, बनता ही नहीं है, लेकिन आपको क्वेश्चन में दे दिया, क्योंकि वो तो आपका थ्योरेटिकल एग्जाम है, उसमें तो कुछ भी दे सकता है ना एग्जामिनर, अगर उसने दे दिया तो आपको उसमें ओनली इंडक्टिव इफेक्ट देखना है, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। अब देखो, अब इसमें एक आता है एसिडिक और बेसिक नेचर में, देखो बेसिक नेचर में आपको अमीन्स का बेसिक नेचर करा चुकी हूँ, एलिफेटिक अमीन ज्यादा बेसिक होते हैं एरोमेटिक अमीन से, फिर मैंने एलिफेटिक में आपको तीन फैक्टर्स भी बताए थे, स्टीरिक फैक्टर, सॉल्वेशन वाला फैक्टर बताया था भाई, स्टीरिक फैक्टर, सॉल्वेशन, इंडक्टिव इफेक्ट बताए थे बेसिक नेचर में, बताया था भाई एसिडिक नेचर, ये भी बताया था एसिडिक नेचर जो होता है, एसिडिक नेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसेंट्रेशन ऑफ एच प्लस, ठीक है, एच प्लस की कंसेंट्रेशन की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और पीएच की इनवर्सली प्रोपोर्शनल, बिकॉज पीएच क्या होता है, माइनस लॉग ऑफ एच प्लस, माइनस होता है ना, तो एच प्लस ज्यादा मतलब पीएच कम, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पीएच के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा के के, ठीक है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होगा पी के, ये सब मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। और क्या कर सकते हो, ओएच के कर सकते हो, अगर पीएच की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो पीओएच के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, राइट, पीओएच हो गया और के हो गया, के मीन्स पीके बी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, पीके की इनवर्सली है तो पीके बी के डायरेक्टली हो जाएगा, ये सब आपको रिलेशन एसिड बेस कंसेप्ट हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो, अब जैसे फिनोल है, फिनोल का मुझे एसिडिक स्ट्रेंथ देखना है, फिनोल का मुझे क्या देखना है, एसिडिक स्ट्रेंथ, मीन्स फिनोल अगर अपना एसिडिटी दिखाएगा, ये मेरा फिनोल है, इफ इट शोज इट्स एसिडिटी मीन्स ये एच प्लस लूज करेगा, एच प्लस लूज करेगा मीन्स इट विल फॉर्म अ फिनोक्साइड आयन, फिनोक्साइड आयन, फिनोक्साइड आयन बन गया। अब मुझे इसकी स्टेबिलिटी को देखना है, मीन्स इसकी स्टेबिलिटी को कौन बढ़ाएगा, कार्बन आयन टाइप स्ट्रक्चर बन रहा है, इसकी स्टेबिलिटी को कौन बढ़ाएगा, इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप्स, कौन बढ़ाएंगे इनकी स्टेबिलिटी को, इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप। तो मुझे अगर क्वेश्चन में आ जाए कि एक्सप्लेन द फॉलोइंग फिनॉल्स इन द ऑर्डर ऑफ देयर एसिडिटी, तो मुझे क्या देखना है एसिडिटी, उसमें यह देखना है कि उसके कॉन्जुगेट, ये देखो ये एसिड है, ये एसिड है, इसने एच प्लस लूज कर दिया, इसको बोलते हैं कॉन्जुगेट बेस,
क्या बोलते हैं कॉन्जुगेट बेस, एसिड का कॉन्जुगेट बेस है, तो अगर कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होगा डेट मीन्स एसिड स्टेबल होगा, ठीक है। तो एसिड जो भी एसिड होता है उसका कॉन्जुगेट बेस हमेशा वीक होता है, जो एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं उनका कॉन्जुगेट बेस हमेशा ही वीक होता है, मीन्स ये कम बेसिक है, क्या है ये कम बेसिक, ठीक है। अब देखो ये कॉन्जुगेट बेस है, तो कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी कौन बढ़ा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो आपको क्या देखना है कि माइनस आर माइनस एच माइनस आई ये सब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग वाले, ये वाले इफेक्ट जहां पे भी ज्यादा होंगे उसमें उस वाले फिनॉल की एसिडिटी ज्यादा होगी, उस वाले फिनोल की एसिडिटी ज्यादा होगी बिकॉज कॉन्जुगेट बेस उसका स्टेबल होगा, कॉन्जुगेट बेस अगर स्टेबल है तो वो एसिडिक ज्यादा होगा, ठीक है। अब देखो मैं कुछ क्वेश्चन बताती हूँ आपको, जैसे फॉर एग्जाम्पल सिंपल फिनोल लेते हैं एक बार, सिंपल फिनोल देखो ये आया हुआ क्वेश्चन है, ये आया हुआ क्वेश्चन है जो मैं आपको करा रही हूँ। सिंपल फिनोल आपको अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी, एसिडिटी के ऑर्डर से यू हैव टू अरेंज इट, ठीक है। OH ले लिया सिंपल, राइट OH 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 ठीक है। एक बार मैंने सिंपल OH, एक बार मैंने मिथाइल ले लिया, ठीक है, मेटा पे और पैरा, फटाफट मुझे इसका एसिडिटी का ऑर्डर बता दो, एसिडिटी का ऑर्डर बता दो मुझे, एसिडिटी ऑर्डर, एसिडिटी का ऑर्डर बता दो, यस फिनॉल्स की एसिडिटी का ऑर्डर बता दो। We have to arrange the following phenols in decreasing order of their acidity. A B C D है ये, A B C D. आपको मेटा पैरा ऐसे भी बोल सकते हो, फिनॉल आपको देखना है, फिनॉल जब एसिडिक एसिडिटी शो करता है उसका कॉन्जुगेट बेस बनता है, कॉन्जुगेट बेस जितना स्ट्रॉन्ग होगा उसका कॉरेस्पॉन्डिंग जो एसिड होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। कॉन्जुगेट बेस देखो एसिड का कॉन्जुगेट बेस तो वीक होता है लेकिन कॉन्जुगेट बेस की जो एसिडिटी होती है ना वो स्ट्रांग होती है, एसिडिटी और एसिड और कॉन्जुगेट बेस की जो एसिडिटी होती है वो स्ट्रांग होती है लेकिन कॉन्जुगेट बेस की जो बेसिसिटी है वो वीक होती है, ठीक है, मीन्स कॉन्जुगेट बेस वीक होता है, राइट। तो जल्दी से इसका ऑर्डर बता दो मुझे, कॉन्जुगेट बेस जितना स्ट्रांग होगा मीन्स कॉन्जुगेट बेस स्ट्रांग कब बनेगा इसका, मतलब स्टेबल कब बनेगा, जब उस पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हैं, तो देख लो कहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे। अब यहाँ पे कहीं भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नहीं लगा, मिथाइल लगा है, ए डी सी बी, ओके और बताओ, ए डी सी बी और बताओ भाई, ए डी सी बी और बताओ। देखो आप लोग थोड़ा सा गलती कर रहे हो, देखो भाई जल्दी से देखो, थोड़ा समझ में कम आया आप लोगों को, देखो मैं बताती हूँ, यहाँ पे देखो यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं है, राइट, ये मिथाइल ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप है ये, इसका कौन सा इफेक्ट है, प्लस एच लेगा और क्या लेगा, प्लस आई, प्लस एच भी तो लेगा सी एस थ्री का, यहाँ पे ओनली प्लस आई लेगा बिकॉज मेटा पे है, मेटा पे हाइपर कंजुगेशन काम ही नहीं करता है। आप इसमें जाओ, इसमें भी कौन सा लग रहा है, प्लस एच एंड प्लस ए, ठीक है। अब देखो अब चार ये जो तीनों स्ट्रक्चर है बी सी एंड डी, इन तीनों में ही डोनेटिंग वाले इफेक्ट लग रहे हैं, लग रहे हैं डोनेटिंग वाले, तो इनकी इनकी एसिडिटी तो फर्स्ट से सबसे कम होगी, मतलब फर्स्ट सबसे ज्यादा स्टेबल हो गया आपका, मीन सिंपल वाला या ए बोल सकते हो आप लोग, ठीक है, ए सबसे ज्यादा स्टेबल हो गया, राइट। अब प्लस एच प्लस आई प्लस आई प्लस, अब आपको पता है हाइपर कॉन्जुगेशन वाला ज्यादा रहेगा, अब बी और सी बी और डी में हाइपर कॉन्जुगेशन क्या हो गया, कॉमन हो गया, हाइपर कॉन्जुगेशन कॉमन हो गया। अब आप देख लो प्लस आई कम कहाँ लगेगा, प्लस आई कम कहाँ लगेगा, डी में कम लगेगा ना, ए बी में तो ज्यादा लगा तो बी में कम लगेगा, मीन डी की एसिडिटी ज्यादा हो गई, फिर बी की हो गई है, ठीक है, और फिर किसकी हो जाएगी, सी की, डी की नहीं होगी, देखो एक सेकेंड, देखो ए का ए तो सबसे सिंपल हो गया। अब डी और बी और डी में देखो प्लस एच और प्लस आई, तो हाइपर कॉन्जुगेशन और प्लस एच लग रहा है और प्लस आई लग रहा है, ठीक है। तो अब देखो हाइपर कॉन्जुगेशन वाला तो क्या हो गया, कम वाला कम एसिडिक होगा ना, इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन लग रहा है, मीन बी और डी तो कम हो गया एज कम्पेयर टू सी, क्योंकि सी में तो प्लस एच लग ही नहीं रहा है, तो ऑब्वियसली सी की एसिडिटी वो ज्यादा होगी बिकॉज उसमें प्लस एच नहीं लग रहा है,
ठीक है, अब आते हैं बीओडी में। बीओडी में प्लस एच कॉमन हो गया, अब हम इंडक्टिव कर देंगे। इंडक्टिव सर ज्यादा किस में लग रहा है, बी में लग रहा है, तो उसकी स्टेबिलिटी सबसे कम हो जाएगी, फिर डी और फिर बी, ये ऑर्डर हो जाएगा, ए सी डी एंड बी। ठीक है, वी सिंपल, फिर मेटा, देन योर क्या बोलते हैं पैरा, और फिर आपका ऑर्थो, ये ऑर्डर हो जाएगा आपका। ठीक है, क्योंकि आपकी एसिडिटी जो है, एसिडिटी एसिडिटी जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, प्लस एच के और प्लस आई के। ठीक है, तो जहां पे प्लस, अब पहले प्लस एच प्लस आई जहां पर नहीं लग रहा है वो सबसे ज्यादा स्टेबल हो गया। ठीक है, फिर सी हो गया, सी में प्लस एच नहीं लग रहा है। अब आती है बीओडी में, बीओडी में प्लस एच तो कॉमन इफेक्ट है, बट अब इसमें हम प्लस आई देखेंगे, प्लस आई कहां ज्यादा लग रहा है, ऑर्थो में ज्यादा लग रहा है प्लस आई, तो बी की स्टेबिलिटी सबसे कम हो गई, मीन एसिडिटी उसकी सबसे कम हो गई। एसिडिटी देख लो, एसिडिटी का ऑर्डर क्लियर। हेतल परमार देखो, ध्यान से देखो, आप लोग समझ में आ रहा है। प्रिया एडीसीबी, ठीक है, ए सी डी भी आएगा आपका आंसर। आप लोगों ने, मुझे लग रहा है हाइपर कॉन्जुगेशन को मतलब आपने एडीसीबी क्या सोच के बोला भाई। आशीष, यस वो मैम हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं, हाइपर कॉन्जुगेशन ही नहीं देखा आपने। ओके, प्लस एच है, प्लस एच हमेशा एसिडिटी को कम करेगा, ये ध्यान रखना। माइनस एच होता ना, अगर यहाँ पे सीसीएल थ्री होता, सीबीआर थ्री होता, विड्रॉइंग ग्रुप होते, तो वो बढ़ जाता, तब उसमें बढ़ जाता, तब हम लोग बी और डी की जो एसिडिटी है वो सी से ज्यादा हो जाती। ठीक है, क्लियर है भाई, आगे चले। इज इट क्लियर, दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीवन। पायल, क्लियर है आपको? यस मैम। ओके चलो नेक्स्ट, अब देखो, अब मैं आपको क्या दूं इसमें, एक और दे दूं, तब तक आप सही आंसर नहीं बताओगे मैं आपको क्वेश्चन कराती रहूंगी। अब मैं इसमें दे देती हूँ आपको सीएल, आपको मुझे एसिडिटी का ऑर्डर बताना है, यू हैव टू टेल मी ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। ओएच, एक बार मैंने ओएच की ऑर्थो पोजीशन पे सीएल लगा दिया, ध्यान रखना भी हैलोजन है, ठीक है, फिर मैंने लगा दिया मेटा पे और वो भी सीएल है, लगा दिया मैंने पैरा को। आपको पता है क्लोरीन को पीरियोडिक टेबल का सबसे फ्रॉड एलिमेंट कहा जाता है, पता है किसी को क्यों कहा जाता है, व्हाई इट इज कॉल्ड अ फ्रॉड एलिमेंट क्लोरीन, एनीवन? सबसे फ्रॉड, फ्रॉड समझते हो ना, क्या बोलते हैं आप लोग, क्या बोलते हैं गुजराती में, आई डोंट नो, सबसे फ्रॉड एलिमेंट बोलते हैं क्लोरीन को, क्यों बोलते हैं पता है किसी को, किसी को पता है क्लोरीन को फ्रॉड एलिमेंट क्यों बोलते हैं? यस, पहले आप क्वेश्चन करो, चलो फिर बताते हो आप मुझे इसमें एसिडिटी का ऑर्डर बता दो। मैम बी सी डी ए, बी सी डी और ए, ओह माय गॉड, ठीक है और बताओ। मैम सी ए बी डी, सी ए बी डी, ओके और बताओ। और बताओ भाई, D B C A, D B C A, ओके और बताओ भाई। C B D A, नहीं C B D A भी नहीं है, और बताओ। C B D A कौन सा कंसेप्ट लगा रहे हैं, मुझे समझ में नहीं है। और सोचो भाई, मेरे को फटाफट सही आंसर चाहिए। CBD is not right. Yes, जल्दी से सोचो भाई, जल्दी बताओ आंसर इसका।
चलो मैं ही करवाती हूँ। अच्छा मैंने पूछ लिया, मुझे लगा आप लोग कर लोगे। देखो इसमें कोई इफेक्ट नहीं है, पहली बार सबसे पहले तो इफेक्ट लगाया तो कौन कौन से इफेक्ट लगे इसमें, नो इफेक्ट। इसमें क्या लग रहा है, प्लस आर एंड माइनस आई, प्लस आर एंड माइनस आई। इसमें क्या लग रहा है, ओनली माइनस आई राइट लग रहा है। इसमें क्या लग रहा है, प्लस आर एंड माइनस आई। ठीक है पहली चीज। अब आपको पता है क्लोरीन के केस में प्लस आर इफेक्ट कम डोमिनेंट होता है एज कम्पेयर टू माइनस आई, तो माइनस आई को देखना है आपको। मीन्स इसमें ओनली माइनस आई ही देखेंगे हम लोग, प्लस आर तो देखेंगे ही नहीं, ओनली माइनस आई देखेंगे क्योंकि प्लस आर का जो इफेक्ट है बहुत कम है भाई क्लोरीन में। बताया था मैंने आपको थोड़ी देर पहले, बताया था क्लोरीन के केस में, ब्रोमीन के केस में प्लस आर का इफेक्ट माइनस आई से कम होता है। तब आप देख लो ओनली इंडक्टिव इफेक्ट आपको देखना है। इंडक्टिव इफेक्ट किस में ज्यादा लग रहा है, सबसे ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट किस में लगता है, ऑर्थो में लगता है, सबसे ज्यादा ऑर्थो में लगता है, फिर किस में लगता है, मेटा में लगता है, फिर किस में लगता है, पैरा में लगता है, फिर आपका सिंपल वाला आ जाएगा, ये ऑर्डर हो जाएगा सिंपल। इसमें आपका प्लस आर को देखना ही नहीं है क्योंकि इसका इफेक्ट जो होता है क्लोरीन क्लोर एलिमेंट है भाई, ये जो जैसा दिखता है वैसा होता ही नहीं है। ठीक है प्लस आर इसका बहुत कम है एज कम्पेयर टू माइनस आई, तो इसमें हमें ओनली इसका माइनस आई देखना है। ठीक है इज इट क्लियर, इसीलिए मैंने पूछा क्योंकि मुझे पता था आप प्लस आर देखोगे, इसका प्लस आर देख के उसकी एसिडिटी कम करोगे, वही किया आप लोगों ने, ऑर्थो को कम किया। क्लियर है भाई, इज इट क्लियर? तो मैम आंसर यही आएगा ना, बी सी डी ए। हाँ बी सी डी ए, ओके बी सी डी ए, मैंने वही बोला था। ठीक है मैं ऑर्थो मेटा पैरा सोच रही थी, ओके ठीक है बी सी डी ए राइट है, ऑर्थो मेटा पैरा फिर सिंपल। अब देखो इसमें तो ध्यान रखना, अगर मैं फ्लोरो लगाती तो डिफरेंट इफेक्ट रहता क्योंकि इसमें प्लस आर डोमिनेट करता, फ्लोरो में आपका माइनस आर डोमिनेटिंग करता है। तो जब भी क्लोरीन आ जाए ना आप वहां प्लस आर देखो ही मत, वहां पे आप क्लोरीन जब भी क्लोरीन आ जाए ओनली माइनस आई से आपको आंसर निकाल दो, मतलब तो यही हो गया ना, इसका मीनिंग तो ये निकल गया। अब देखो मैं आपको बता देती हूँ कि क्लोरीन कौन फ्रॉड एलिमेंट क्यों बोलते हैं, क्लोरीन को थोड़ा सा इसे थोड़ा अलग हटके बता देती हूँ, फ्रॉड एलिमेंट बोलते हैं इसको, फ्रॉड पता नहीं आप लोगों ने पढ़ा क्यों नहीं, तो एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ फ्रॉड एलिमेंट क्लोरीन क्यों बोलते हैं। देखो सबसे आपके हेलोजन्स में फ्लोरीन, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन, तो आपकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसका ऑर्डर क्या होता है, फ्लोरीन सबसे ज्यादा होता है, क्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन। मैंने आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वो भी बताया था, कैसे वैल्यूज याद करने का तरीका भी बताया था। ठीक है तो फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन। अब क्या होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, देखो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मीनिंग होता है कि जब किसी एलिमेंट में आप कोई इलेक्ट्रॉन जब ऐड करते हो ना तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू आइसोलेटेड गैसियस एटम। ठीक है अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज मतलब जब आपने किसी एटम किसी एलिमेंट में आपने कोई इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो अगर एनर्जी रिलीज होती है, अगर क्या होती है एनर्जी रिलीज, ठीक है तो उसको हम क्या बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो कई बार क्या होता है इलेक्ट्रॉन रिलीज भी होती है, एनर्जी रिलीज भी होती है, और कई बार क्या होती है हमें इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए एनर्जी देनी भी पड़ती है। जैसे कोई फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है, कोई हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन, तो वो स्टेबल है, अगर फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन अगर उसमें मुझे इलेक्ट्रॉन ऐड करना है तो ऑब्वियसली मुझे एनर्जी देनी पड़ेगी क्योंकि वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। लेकिन अगर कहीं पे मान लो आपका एक ही वैलेंस मतलब एक ही इलेक्ट्रॉन कमी है फुलफिल होने के लिए, तो वो जैसे अपन एनर्जी देंगे उसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो एनर्जी उसमें रिलीज होती है, तो इसको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते हैं। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होती है क्लोरीन की फ्लोरीन से ज्यादा होती है, क्लोरीन की फ्लोरीन से ज्यादा होती है। ठीक है होनी किसकी चाहिए थी, फ्लोरीन की, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना चाहिए था, लेकिन एक्सेप्शन होते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन की ज्यादा होती है, जबकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा होती है फ्लोरीन की। तो क्लोरीन जो हो गया ना फ्रॉड एलिमेंट हो गया, मतलब इलेक्ट्रॉन भी ले लिया उसने, मतलब वो होता है ना हर जगह जाके अपना ही वो कर लिया इसने, तो जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थी तब तो फ्लोरीन की ज्यादा होगी। ठीक है और जब इलेक्ट्रॉन लेने की बात आई तब क्लोरीन ने ले लिया इलेक्ट्रॉन, इट मीन्स क्लोरीन जो था उसने इजिली इलेक्ट्रॉन ले लिए। ठीक है तो ये ध्यान रखना इसको फ्रॉड एलिमेंट क्यों बोलते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी तो फ्लोरीन की ज्यादा होती है बट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन की ज्यादा होती है, जो आपके ये जो थर्ड पीरियड एलिमेंट है ये हमेशा लेस इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होती है एज कम्पेयर टू सेकंड पीरियड, जो आपके कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी थर्ड पीरियड वालों से कम होती है। ठीक है भाई इसलिए क्लोरीन को फ्लोर एलिमेंट फ्रॉड एलिमेंट बोलते हैं। ओके चलो अब देखो आगे,
तो एसिडिटी वाला आपको ये आपका लोगो। देखो इसमें एक एक्सेप्शन केस आता है जो कि एग्जाम्स में पूछा जाता है, बहुत आता था ये क्वेश्चन पहले। ये फिनॉल है, ठीक है, इसकी ऑर्थो पोजिशन पे मैंने नाइट्रो लगाया है, चलो आप इसका ऑर्डर बता दूंगा जल्दी से। ऑर्थो पोजिशन पे नाइट्रो ग्रुप लगाया है, देन मेटा लगाया है, मेटा देन पैरम, ठीक है। अब इसकी मुझे एसिडिटी का ऑर्डर बता दो, एसिडिटी ऑफ फिनोल्स का ऑर्डर जल्दी से। यस एसिडिटी का ऑर्डर बता दो, चलो मैं ही बता देती हूँ। देखो यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं है, यहाँ पे माइनस आ रहा है और यहाँ पे माइनस, थर्ड वाले में ओनली माइनस आई है क्योंकि मेटा पोजीशन पे रेजोनेंस इफेक्ट काम नहीं करता है। फोर्थ पे अगेन माइनस आ रहे हैं, राइट। अब हम क्या देखेंगे, माइनस आपको पता है एसिडिटी को इलेक्ट्रॉन इफेक्ट होते हैं, वो क्या करते हैं एसिडिटी को बढ़ा देते हैं, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट बी में भी लग रहे हैं, सी में भी लग रहा है और डी में भी लग रहा है, ऑर्थो पे भी लग रहा है, मेटा पे भी लग रहा है, पैरा पे भी लग रहा है। मीन सिंपल वाला आपके सबसे कम एसिडिक हो गया, सिंपल वाला पैरा के कंपैरिजन में सिंपल में कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट नहीं है, तो सिंपल वाला इज लीस्ट एसिडिक बीसीडी में। अब आपको पता है रेजोनेंस इफेक्ट डोमिनेटिंग होता है इंडक्टिव से, तब आते हैं बी और सी में, मींस ऑर्थो पैरा में, ऑर्थो और पैरा में, ऑर्थो और पैरा में आपका दोनों में रेजोनेंस इफेक्ट लग रहा है, राइट। तो अब रेजोनेंस इफेक्ट माइनस आर लग रहा है, तो दैट मीन्स आपका जो ऑर्थो है उसकी एसिडिटी आपकी मेटा से क्या होगी, ज्यादा होगी, बिकॉज मेटा में माइनस आर नहीं लग रहा है, ठीक है। अब ऑर्थो और पैरा पे, ऑर्थो और पैरा में जो रेजोनेंस इफेक्ट है दैट इज कॉमन, रेजोनेंस इफेक्ट कॉमन हो गया बिकॉज पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे रेजोनेंस की क्या इंटेंसिटी क्या होती है, बराबर होती है। अब हम किस पे जाएंगे, रेजोनेंस कॉमन हो गया, अब कंजुगेशन हैपल कंजुगेशन यहाँ पे पॉसिबल ही नहीं, NO2 ग्रुप है, देन वी विल मूव टू इंडक्टिव इफेक्ट। अब इंडक्टिव इफेक्ट किस में ज्यादा है, बी में ज्यादा है, माइनस आई, माइनस आई किस में ज्यादा है, ऑर्थो पे ज्यादा होगा ऑब्वियसली, फिर मेटा, फिर पैरा। तो बी में आपका प्लस आर माइनस आर तो कॉमन हो गया बी और डी में, और माइनस आई आपका बी में ज्यादा है, दैट मींस आपका ऑर्थो वाला सबसे ज्यादा एसिडिक होना चाहिए अकॉर्डिंग टू आवर कंसेप्ट, अकॉर्डिंग टू आवर कंसेप्ट, ठीक है। फिर किसका होना चाहिए, पैरा का, देन किसका होना चाहिए, मेटा का, यही ऑर्डर होना चाहिए। बट आपको ध्यान रखना ये ऑर्डर इसमें नहीं होता, दिस ऑर्डर एक्चुअली होता क्या है, होता क्या है, देखो ऑर्थो वाला, ऑर्थो वाला इसका जो हाइड्रोजन होता है ये इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो जाता है, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये जो H प्लस ये जो हाइड्रोजन होता है ना फिनॉल का, ये लूज ही नहीं हो पाता, तो लूज एसिडिक कम हो जाएगा, तो दैट मीन्स आपका जो ऑर्डर आता है वो क्या आता है, पैरा सबसे ज्यादा एसिडिक हो जाता है, मोस्ट एसिडिक, ये आपको ध्यान रखना है भी केस हाइड्रोजन बॉन्डिंग का केस है ये, मोस्ट एसिडिक देन योर ऑर्थो, ठीक है, और मेटा और सिंपल ही बात है। तो आपका होना तो हमारे कंसेप्ट के अकॉर्डिंग, हमारा जो कंसेप्ट था उसके अकॉर्डिंग हमारा कौन सबसे ज्यादा एसिडिक होना चाहिए था, और माइनस आर तो ठीक था, माइनस आर और माइनस आर तो आपका ऑर्थो और पैरा में कॉमन था, बट माइनस आई बिकॉज ज्यादा था इसलिए हमारा ऑर्थो का ज्यादा होना चाहिए था एसिडिक स्ट्रेंथ, बट ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो OH है ना फिनॉल का OH वो इन्वॉल्व हो जाता हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ इन्वॉल्व के साथ, तो इसीलिए इसका जो H है वो इजीली आपका डोनेट नहीं हो पाता, H प्लस मतलब OH का जो प्लस की फॉर्म में लूज नहीं हो पाता, तो एसिडिटी उसकी थोड़ी सी एज कम्पेयर टू पैरा कम हो जाती है। तो आपको इसको याद रखना है, नाइट्रोफिनोल्स का जो ऑर्डर होता है इसको हम फॉर्म्स बोलते हैं, फॉर्म्स OMS फॉर्म्स, तो इसको ऐसे ही मैंने याद रखा फॉर्म्स, तो ये आपका एक्सेप्शन है, एग्जाम में क्या होता है याद नहीं रहते एक्सेप्शन, याद रखना है जब भी नाइट्रोफिनोल्स आ जाए, तभी भी नाइट्रोफिनोल्स के एसिडिटी का ऑर्डर आ जाए उसमें फिनॉल का हो आपका फॉर्म्स, ठीक है, इज इट क्लियर, इज इट क्लियर। तो इसको है ना आप ऐसे करके अलग से आप लोग ताकि हमेशा याद रहे कि जो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल्स होता है उसमें क्या होता है आपका, यू आर हैविंग योर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ऐसे बना लो OH हो गया, ठीक है, ये ग्रुप लगा देती हूँ मैं इस तरह से, NO2 में कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, और इस तरह से आप बना लो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है, राइट, इसके साथ क्या बना लोगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसको आप ऐसे बना सकते हो, आप बना लो ताकि आपको ध्यान रहे जब भी OH आए, जब भी आपका OH आए
तब आपको क्या करना है, दिखाना है, ठीक है? क्लियर है भाई? ये अक्षर ऐसे बना, ठीक है? क्वेश्चन ऐसे देख, नेचर ऑफ लॉ क्लियर है भाई? क्लियर? मे आई प्रोसीड फर्दर, यस और नो? यस मैम, मैं आपको ऑर्डर, ठीक है? हाँ यस, बोलो, कोई डाउट है? यस, एनी डाउट? नो मैम। ओके, चलो नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं। ओके, अब देखो अब हम पढ़ते हैं ऑर्थो इफेक्ट, एसिडिटी में ऑर्थो इफेक्ट। कभी भी आपको क्वेश्चन आ जाए ना एसिडिटी का, तो आप पहले ये देख लेना कि इसमें ऑर्थो इफेक्ट तो नहीं लग रहा है। ऑर्थो इफेक्ट जहां पर भी लगता है उसकी एसिडिटी सबसे कम हो जाती है, ठीक है? आप पहले इसके साथ आप लिख लो एक साथ, इट इज ऑब्जर्व इन ऑर्थो इफेक्ट, कहाँ लगता है, ठीक है? कहाँ लगता है? बेंजोइक एसिड में लगता है। कहाँ लगता है बेंजोइक एसिड? बेंजोइक एसिड एंड एनिलिन, बेंजोइक एसिड और एनिलिन में लगता है। जब भी आपको बेंजोइक एसिड मिल जाए CUH और एनिलिन NH2 फिनाइल के साथ, देन आपको ऑर्थो इफेक्ट देखना है वहां पे, ऑलवेज एंड ऑलवेज, इसको हमेशा ध्यान रखना है, ऑलवेज एंड ऑलवेज स्टार लगा लो, ऑर्थो इफेक्ट, ठीक है? एनिलिन हो गया, या फिर आप एनिलिन के एन सब्स्टिट्यूट, मीन एन के साथ कोई सब्स्टिट्यूटेड भी ले सकते हो, एन सब्स्टिट्यूटेड एनिलिन ऑल्सो, क्या? बेंजोइक एसिड एंड योर एन सब्स्टिट्यूटेड एनिलिन एंड सिंपल एनिलिन, राइट? क्या मतलब है? देखो ये बेंजोइक एसिड है, दिस इज अ बेंजोइक एसिड, राइट? इसमें आपको ऑर्थो, इसमें ऑर्थो इफेक्ट लगेगा। नेक्स्ट है आपका एनिलिन, एनिलिन ले लो, NH2 ले लो, सिंपल NH2, और एन सब्स्टिट्यूटेड एनिलिन मीन्स आपने एन के हाइड्रोजन को किसी मिथाइल से सब्स्टिट्यूट कर दो, ठीक है? और दोनों मिथाइल, दोनों एच को भी आप सब्स्टिट्यूट कर सकते, राइट? इसको हम बोलते हैं एन सब्स्टिट्यूटेड एनिलिन, NR2, इसको हम बोलेंगे, ये दोनों क्या है मेरे, एन सब्स्टिट्यूटेड एनिलिन, एन सब्स्टिट्यूटेड एनिलिन। इन तीनों में ही आपका ऑर्थो इफेक्ट लगेगा, ठीक है? दिस इज एनिलिन, राइट? ठीक है भाई, अब देखो ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड, अब देखो ऑर्थो इफेक्ट क्या होता है वो समझ लो पहले। पहले मैंने आपको बताया किसमें लगता है बेंजोइक एसिड और एनिलिन, आपको ये ध्यान रखना जहां पे भी ऑर्थो इफेक्ट लगेगा, जहां पे भी ऑर्थो इफेक्ट लगेगा, जहां पे भी और इनके ऑर्थो पोजीशन पे अगर कोई ऐसा ग्रुप होता है, मैं बताऊंगी कौन कौन से ग्रुप, ठीक है? उस उनकी जो इफेक्ट होता है ना वो सबसे ज्यादा एसिडिक होगी, आपको उनके इफेक्ट देखने ही नहीं है, वो माइनस आर लगा, वो प्लस आर लगा रहा है तो उसकी एसिडिटी को कम नहीं करना है। जो भी ऑर्थो पोजिशन पे कभी भी कोई भी ग्रुप होता है उसकी एसिडिटी हमेशा सबसे ज्यादा होती है, ठीक है? इसको लिख लो, इसको लिख लो, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड या एन सब्स्टिट्यूटेड एनिल आर द मोस्ट एसिडिक, वो सबसे ज्यादा एसिडिक होते हैं, एंड दियर एसिडिटी, एंड दियर एसिडिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ, एंड दियर एसिडिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, जो आपका सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा है इसका नेचर, वेदर इट इज इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, वेदर इट इज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, उसके ऊपर इट विल नॉट डिपेंड, ठीक है? ऑर्थो पोजीशन पे बेंजोइक एसिड के या एन सब्स्टिट्यूट एनिलीन के ऑर्थो पोजीशन पे वेदर इट इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, वेदर इट इज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, इट विल हैव नो इफेक्ट, इट विल बी ऑलवेज एंड ऑलवेज मोर एसिडिक, हमेशा ये से ज्यादा एसिडिक होगा, ठीक है? देखो मैं क्या कह रही हूँ, जैसे आपका बेंजोइक एसिड लिया मैंने, ये फॉर एग्जाम्पल COH, ये COH में मैंने COH, अगेन COH, राइट, अगेन COH, अगेन COH, राइट? अब देखो अगर मैं यहाँ पे कौन सा ग्रुप लगाती हूँ, अगर मैं यहाँ पे ग्रुप लगा देती हूँ, कोई भी ग्रुप लगा देती हूँ, सबसे पहले मान लो CH3 लगा देती हूँ, CH3 ऑर्थो पे लगा दिया, मेटा पे लगा दिया और पैरा पे, ठीक है? अब आपको पता है CH3 का
क्या कौन सा वो लगता है, प्लस एच लगता है और क्या लगता है, प्लस आई लगता है। ठीक है, अब आपको पता है एसिडिटी की, एसिडिटी जो है, एसिडिटी को प्लस एच क्या बोलते हैं, एसिड। अगर हमें इसका क्या देखना है, एसिडिटी का ऑर्डर देखना है, तो एसिडिटी की ऑर्डर को कौन बढ़ाते हैं, एसिडिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आर माइनस एच माइनस आई, यही होता है ना ऑर्डर। ठीक है, तो अब हमें क्या देखना है, एसिड इसमें सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा, आपको आंख बंद करके ऑर्थो को सबसे ज्यादा एसिडिक कर देना और दूसरों में इफेक्ट देख लो, और दूसरों में तो क्या करो इफेक्ट देख लो, लेकिन आंख बंद करके ऑर्थो को सबसे ज्यादा एसिडिक कर देना। ठीक है, मैं क्या कह रही हूँ समझ गए ना आप लोग, कि ऑर्थो पे जो भी ग्रुप है बेंजोइक एसिड के या एनिलीन के, उस ऑर्थो को सबसे ज्यादा एसिडिक करना, और बाकी के आप इफेक्ट देख लो, उनका हाइपर कंजुगेशन लग रहा है, इंडक्टिव लग रहा है, कहाँ पे कम है कहाँ जहाँ, जैसे हमने अभी क्वेश्चन किए ना वैसे। ठीक है, क्लियर है, ऑर्थो इफेक्ट सबसे ज्यादा आपका क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। देखो अगर मैं इसमें करूँ ऑर्थो सबसे ज्यादा एसिडिक हो जाएगा, इसको हमें देखना ही नहीं है, ऐसा मैं सोचना कि भाई मैम इसमें तो प्लस आई लग रहा है प्लस एस लग रहा है, एसिडिटी कैसे बढ़ गई, इसको नहीं सोचना, ऑर्थो इफेक्ट है, इसमें ऑर्थो इफेक्ट लग रहा है। ठीक है, अब ऑर्थो के बाद कौन आएगा, ऑर्थो के बाद कौन आएगा, सिंपल वालों की, अब आप किसको देखेंगे, मेटा को और पैरा को देखेंगे, इन दोनों में तो डोनेटिंग इफेक्ट लग रहा है, तो एसिडिटी कम हो जाएगी एज कम्पेयर टू सिंपल, सबसे ज्यादा एसिडिक ऑर्थो, देन योर सिंपल, फिर किसका आएगा, सिंपल के बाद फिर मेटा का और फिर आपका पैरा। ठीक है भाई, ठीक है, इज इट क्लियर, इज इट क्लियर टू एवरीवन, ऑर्थो इफेक्ट। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे मैं जेड ग्रुप ले लेती हूँ, यहाँ पे जेड ले लेती हूँ, ठीक है, ओ सॉरी यहाँ पे जेड ले लेती हूँ, अगर मैंने यहाँ पर एक बार मिथाइल लगाया, ठीक है, जब मैंने जेड को यहाँ पे मिथाइल लिया तो मेरा ऑर्डर ये है, जेड को मैंने क्या लगाया, मिथाइल, ये जेड लिया है मैंने। ठीक है, अगर मैं जेड को क्या लगा दूं, ओएच लगा दूं, ओएच का कौन सा इफेक्ट रहेगा, प्लस आर रहेगा, रहेगा प्लस आर, और कौन सा इफेक्ट रहेगा, माइनस आर। तो सबसे पहले तो ऑर्थो को सबसे ज्यादा एसिडिक कर दो, सिंपल, सबसे ज्यादा किसको एसिडिक करोगे, ऑर्थो को, ऑर्थो इफेक्ट है। देखो मैं आपको रीजन बता देती हूँ, वैसे तो अपना थ्योरेटिकल एग्जाम है, फिर भी मैं आपको रीजन बता दूंगी इसमें। देखो ऑर्थो सबसे ज्यादा एसिडिक हो गया, ठीक है, अब अपन को क्या, ऑर्थो के बाद कौन आएगा, मेटा आएगा, ठीक है, फिर कौन आएगा, सिंपल आएगा, और फिर कौन सा आएगा, पैरा वाला आएगा। ठीक है, जब ओ एच होगा, मेटा वाला क्यों आएगा, क्योंकि उसमें माइनस आई लग रहा है, मेटा वाला। हाँ जो CH3 वाला है उसमें पेरा आगे नहीं आएगा एसिडिटी में, बिकॉज प्लस आई मेटा की ज्यादा लगेगी, मिथाइल वाला जो है पहला ऑर्डर। हाँ, ऑर्थो का ज्यादा हो गया सिंपल, फिर क्या बोल रहे, मेटा से पैरा के ज्यादा आएगी, मेटा से ऐसा बोल रहे नहीं प्लस आई लगेगी ना, तो मेटा वाला है उसकी एसिडिटी ज्यादा डिक्रीज होगी ना ड्यू टू प्लस आई। लेकिन मैडम उसमें प्लस एच भी तो लग रहा है पैरा में, ओके मैम, प्लस एच भी तो लग रहा है मेटा में, प्लस एच तो नहीं लग रहा कम से कम। ओके ओके मैम, ठीक है, क्लियर है। देखो मेटा में आपके प्लस एच नहीं लग रहा है, इसमें उसकी एसिडिटी ज्यादा है पैरा से, पैरा में प्लस एच लग रहा है, राइट। प्लस एच जो होता है एसिडिटी को कम करता है, मैंने क्या बोला, एसिडिटी को इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग वाले इफेक्ट बढ़ाते हैं। ठीक है, अब देखो मैं और दे देती हूँ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग वाले भी आपको, जैसे मैं अगर जेड को एनओ टू लेती हूँ, अगर मैं एनओ टू लेती हूँ, एनओ टू, तो सबसे ज्यादा ऑर्थो कर दो, ऑर्थो कर दो, ये तो ऑर्थो इफेक्ट लग गया। ठीक है, फिर कौन सा आएगा, पैरा आएगा मेरा, ठीक है, फिर मेरा कौन सा आएगा, मेटा आएगा, फिर मेरा कौन सा आएगा, सिंपल आएगा। ठीक है, एनओ टू जब करेंगे तो, राइट, क्लियर है भाई, ये समझ में आ गया, यस मैम। हाँ, पैरा क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस एच लग रहा है ना, अब मेटा पे ओनली माइनस आई लग रहा है और सिंपल पे कोई इफेक्ट नहीं है, इसीलिए वो सबसे कम एसिडिक हो गया। क्लियर है भाई, आगे चलें, ये आप लोग खुद भी कर सकते हो, अपने आप लगा लगा के सारे इफेक्ट दे सकते हो कि कहाँ पे कौन सा इफेक्ट ज्यादा रहेगा, बस आपको ध्यान क्या रखना है, बेंजोइक एसिड आ जाए या एनिलीन आ जाए। ठीक है, देखो एनिलीन में तो एसिडिक स्ट्रेंथ ही देखेंगे, उसमें तो बेसिक स्ट्रेंथ देखेंगे, उसका अलग है, एनिलीन आपको ध्यान रखना है, सॉरी बेंजोइक एसिड आपको ध्यान रखना है, बेंजोइक एसिड का कोई भी डेरिवेटिव आ जाए आपको ऑर्थो का सबसे ज्यादा एसिडिक करना है। देखो इसका रीजन बता देती हूँ मैं आपको थोड़ा सा, देखो रीजन क्या होता है, एक्चुअली ऐसा कहा जाता है, देखो छोटी बुक्स में ना, छोटी क्लासेस में पहले हम लोग ऐसा ऐसा पढ़ाया जाता था कि जो आपका ऑर्थो पोजिशन से क्या होता है, कि जो आपका कोई भी ग्रुप जुड़ा है ना, यहाँ पे ग्रुप जुड़ा है, कोई भी ग्रुप जुड़ा है, क्योंकि ये तो इस पर डिपेंड ही नहीं कर रहा वो डोनेटिंग है कि विड्रॉइंग है, तो क्या होता है इन दोनों के बीच में कोई रिपल्शन होता है, क्या होता है रिपल्शन, इसको हम क्या बोलते हैं, रिपल्शन होता है, तो इस रिपल्शन की वजह से क्या होता है, ये जो आपका COH होता है ना, COH ये आउट ऑफ प्लेन चला जाता है, क्या चला जाता है, आउट ऑफ प्लेन, मीन जिस प्लेन में आपका फिनाइल ग्रुप और ये जो जेड ग्रुप है उसके आउट ऑफ प्लेन चला जाता है,
आउट ऑफ प्लेन अगर चला गया, दैट मीन्स ये इसके साथ जो जो ये इफेक्ट दिखाता है ना सीओएस, कौन से इफेक्ट दिखाता है, माइनस आर हो गया, मतलब जो भी इफेक्ट दिखाएगा ना जेड इसके साथ, मान लो जेड प्लस आर दिखा रहा है, प्लस एस दिखा रहा है, उसके लिए प्लेन में तो होना चाहिए ना ये रेजोनेंस इफेक्ट। डीलोकलाइजेशन ही तो होता है पाई इलेक्ट्रॉन का, पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन का होगा जब प्लेन में तो हो, सीओएस तो आउट ऑफ प्लेन चला गया, कहाँ चला गया, आउट ऑफ प्लेन, आउट ऑफ प्लेन चला गया, दैट मीन्स ये एच प्लस को इजिली लूज कर सकता है। एसिडिक स्ट्रेंथ का मीनिंग तो यही है कि एच प्लस लूज कर दे, सीओ माइनस बन जाए, राइट। तो इस ये आउट ऑफ प्लेन क्यों चला जाता है सीओएच, देखो देखो मैं इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बता के आपको समझाती हूँ। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से आपको समझ में आएगा कि सीओएच आउट ऑफ प्लेन क्यों चला जाता है। ये सी डबल बॉन्ड ओ ओएच, अगर आपको मैं बोलूँ कि इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोलू, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है, अगर ये सबसे पहले तो आप अगर ये एसिडिटी शो करता है डेट मीन ये सीओ माइनस बनेगा, तो पहले हम सीओ माइनस ही बना लेते हैं, ठीक है, इसका कॉन्जुगेट बेस बना लेते हैं, कॉन्जुगेट बेस, ठीक है। एसिड का मैंने क्या बना दिया, उसकी एसिडिटी दिखा दी मैंने, इसने एच प्लस लूज कर दिया, कॉन्जुगेट बेस बन गया, ठीक है, ये बन गया कॉन्जुगेट बेस। अगर ये एसिडिटी शो करता है तो इसका कॉन्जुगेट बेस बन, ठीक है, सी डबल बॉन्ड ओ माइनस बन गया, ठीक है। अब ये जो कॉन्जुगेट बेस जो बना है इसकी एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती है, ये वाली बनी, ठीक है। अब इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जब आप बनाते हो तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव, ये डबल बॉन्ड सी और ये ओ माइनस, ये आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहे हो, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहे हैं ना, इसको हम बोलते हैं अब नॉर्मल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब नॉर्मल क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज इसमें जो रिंग की जो हमारी एरोमेटिसिटी थी उसको इसने डिस्ट्रॉय कर दिया, अब नॉर्मल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इसको हम क्या बोलते हैं, अब नॉर्मल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इसमें होता कौन सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, वैसे जो मैंने आपको बताया था ना इक्विवेलेंट वाला फिनोक्साइड के केस में, इसमें होता ये वाला है, ये सी डबल बॉन्ड ओ है, ये इधर शिफ्ट होंगे, होना तो ये चाहिए, होना तो ऐसा ही चाहिए, लेकिन इस वाली जो अबनॉर्मल रेजोनेटिंग जो बनती है ना, इस वजह से ये बहुत ही अनस्टेबल होती है, इसीलिए क्या होता है हमारा COH जो होता है ये आउट ऑफ प्लेन, ताकि ये वाली जो अबनॉर्मल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है बने ही नहीं कंपाउंड में, ठीक है, तो ये इसका रीजन होता है रेजोनेटिंग। तो इसीलिए आपको यहाँ पे अगर इसके ऑर्थो पोजीशन पे चाहे जी जुड़ा हो, चाहे जी जब जुड़ा हो, चाहे उसका रिलीजिंग इफेक्ट हो, चाहे कोई भी उसका इफेक्ट हो, उसका इस पर कोई फर्क ही नहीं पड़ता, जो होता है वो आउट ऑफ प्लेन चला जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है, क्लियर। तो बस आपको इसके रीजन, हमारा थ्योरेटिकल एग्जाम का हमें एक्सप्लेन तो करना ही नहीं, ऑर्थो इफेक्ट क्यों लगता है, हमें बस ये ध्यान रखना है जहां पे भी ऑर्थो इफेक्ट उसकी एसिडिटी को मुझे सबसे ज्यादा करना है बेंजोइक एसिड के केस में, राइट भाई। अब देखो एनिलीन, अब एनिलीन की बेसिसिटी, अगर एसिडिटी ऑर्थो इफेक्ट में एसिडिटी बढ़ती है, ध्यान रखना ऑर्थो इफेक्ट से एसिडिटी बढ़ती है, That means basicity जो होगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, basicity सबसे कम हो जाएगी। मीन्स एनिलीन का अगर मैं कोई लेती हूँ, एनिलीन लिया, अब मैंने इसमें क्या जोड़ दिया, H plus, एसिडिटी दिखानी है अपनी, और मतलब इसको अगर बेसिसिटी दिखानी है तो ये प्रोटोन ले लेगा, तो ये क्या बन जाएगा, NH3+ बन जाएगा, ठीक है। NH3+ की ये वही सेम चीज, यहाँ पे जो भी ग्रुप होता है कंपेरिजन में इसकी वो, जो हमारी बेसिसिटी है वो सबसे कम हो जाती है, ध्यान रखना किसका, ऑर्थो इफेक्ट में एसिडिटी बढ़ती है, बेसिसिटी कम होती है, ठीक है। अब देखो मैं आपको इसकी करा देती हूँ कुछ एग्जांपल्स, अगर मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल जैसे कि NH2 के ऑर्थो पे कुछ भी लगा लो, मेटा पे लगा लो, कुछ भी ग्रुप लगा लो आप, लगा लो और पैरा पे लगा लो, ठीक है। आपको क्या करना है सबसे जो आपका जो ऑर्थो वाला जो है वो सबसे कम बेसिक हो जाए,
तो बेसिकली जो ऑर्थो इफेक्ट के जो क्वेश्चन आते हैं ना एग्जाम में, वो ज्यादातर तो आपके बेंजोइक एसिड वाले आते हैं, एसिडिटी वाले इतने आते नहीं है, मेनली आपके एसिडिटी वाले ही आते हैं। तो आपको ध्यान रखना है जब भी COH ग्रुप, तो आपकी एसिडिटी हमेशा उसकी ज्यादा होगी, और अगर एनिलीन दे रखा है तो उसकी बेसिसिटी सबसे कम हो जाएगी। रीजन में आपको थ्योरेटिकल एग्जाम देना नहीं, आपको बस ध्यान रखना है, याद रखना है, ऑर्थो इफेक्ट वाला हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। एक्चुअली इसमें होता है क्या, जो NH2 है और जो NH3 प्लस है ना, इसकी साइज जो है ना NH2 के कंपैरिजन में NH3 प्लस की साइज जो होती है थोड़ी सी बड़ी होती है, ऑब्वियसली ज्यादा स्पेस घेरेगा ये, ऑब्वियसली ज्यादा स्पेस घेरेगा तो इसके साथ रिपल्शन ज्यादा करेगा, ठीक है, इसलिए आउट ऑफ प्लेन चला जाता है, राइट। ठीक है भाई, ये ऑर्थो इफेक्ट की बात हो गई, ऑर्थो इफेक्ट याद रखना है आपको, बेंजोइक एसिड वाला कंसेप्ट, ठीक है। अब मैं आपको कीटोइनोल वाला टोटोमेरिज्म वाला कंसेप्ट बता देती हूँ, कीटोइनोल टोटोमेरिज्म, फिर कल से है ना हम लोग अपना वो स्टार्ट करेंगे क्या, ये नेम रिएक्शन वाला पार्ट, ठीक है। अब देखो टोटोमेरिज्म, व्हाट इज टोटोमेरिज्म, टोटोमर्स क्या होते हैं, पहले मैं टोटोमर्स बताती हूँ, देन हम कीटोइनोल पे आएंगे। टोटोमर्स, व्हाट आर टोटोमर्स, जल्दी से बता दो फटाफट, छोटा सा टॉपिक है, जल्दी से पढ़ लो, व्हाट डू यू मीन बाय टोटोमर्स, यस व्हाट डू यू मीन बाय टोटोमर्स, बताओ भाई टोटोमर्स क्या होते हैं, यस व्हाट डू यू मीन बाय टोटोमर्स, देखो टोटोमर्स मींस जिसमें अरेंजमेंट ऑफ एटम्स विल बी डिफरेंट, एटम्स को इधर उधर अरेंज कर देते हैं हम लोग, बेसिकली यही कहते हैं हम नॉर्मल लैंग्वेज में, अरेंजमेंट ऑफ एटम्स विल चेंज, अरेंजमेंट ऑफ एटम्स विल चेंज, ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ एटम्स विल चेंज, ठीक है। दो टाइप के सिस्टम में पढ़ते हैं हम, डायड सिस्टम, दो एटम वाले सिस्टम में, और एक ट्राइड, तीन एलिमेंट वाले सिस्टम, ट्राइड, ठीक है, दो एटम और तीन एटम, ठीक है, डायड एंड ट्राइड, TRIAD, डायड एंड ट्राइड, ठीक है। डायड मींस फॉर एग्जांपल ये कोई मेरा ग्रुप जुड़ा है, एबी के साथ कोई ग्रुप जुड़ा है जी, इसका टोटोमर कैसे बनाऊंगी मैं, क्या करना है मुझे, अरेंजमेंट ऑफ एटम चेंज करना है, मींस जो आपका बी है दैट विल बी अटैच्ड विद जी, ठीक है। फॉर एग्जांपल फेमस एग्जांपल इसका HCN पढ़ते हैं ना हम लोग, HCN, तो इसका टोटोमर फॉर्म क्या हो जाएगा, HNC, आइसोसाइनेट, HNC, ठीक है, एक सेकंड, HNC, ऐसे बनाते हैं हम लोग, ये डायड सिस्टम में पढ़ते हैं टोटोमेरिज्म, डायड दो दो में, ठीक है। HC साइनाइड और आइसोसाइनाइड कौन से टोटोमर्स हो गए, साइनाइड और आइसोसाइनाइड सारे टोटोमर्स, बिकॉज अरेंजमेंट ऑफ एटम इज डिफरेंट, जहां पर कार्बन नाइट्रोजन के साथ जुड़ा था, यहाँ पे कार्बन नाइट्रोजन के साथ जुड़ा है, हाइड्रोजन के साथ जुड़ा, बट यहाँ पे नाइट्रोजन हाइड्रोजन एंड कार्बन के साथ जुड़ा हुआ। अब आते ट्राइड, जिसमें ट्राइड मीन्स ए बी डबल बॉन्ड सी, तीन हमें स्पीसीज लेने, तीन एलिमेंट्स लेने, ए के साथ जी जुड़ा है, देन इसका क्या बनाएंगे हम लोग, ए डबल बॉन्ड बी, और ये सी के साथ हमारा क्या जुड़ जाएगा, जी। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, इसका वेल नोन फेमस जो एग्जांपल है, दैट इज योर वेल नोन फेमस एग्जांपल इज योर कीटोइनोल, कीटोइनोल टोटोमेरिज्म। तो कीटोइनोल टोटोमेरिज्म जो है वो किस टाइप का एग्जांपल है, ट्राइएड सिस्टम का, ट्राइएड सिस्टम मीन्स आपके डबल तीन आपकी स्पीसीज होनी चाहिए, तीन एटम होने ही चाहिए एटलीस्ट जी के साथ, ग्रुप जी के साथ, कोई भी ग्रुप हो सकता है, ठीक है। इसका एक एग्जांपल तो हमने कीटोइनोल कर लिया, और नेक्स्ट एग्जांपल है इसका, एक एग्जांपल क्या होगा, ट्राइड सिस्टम का कीटोइनोल, और एक सेकंड एग्जांपल लिख लो इसका, और जैसे नाइट्रोक्सो और ऑक्सीन पढ़ते हैं, नाइट्रोसो और ऑक्सीन, वो भी इसी के एग्जांपल है, नाइट्रोसो एंड ऑक्सीन, ऑक्सीन और नाइट्रोसो, नाइट्रोसो मीन्स CH2NO2, CH2NO एंड डबल बॉन्ड, इसको बोलते हैं नाइट्रोसो। अब इसका कीटो फॉर्म बना दो, कैसे बनाओ, ऑक्सीन फॉर्म बनाओ इसके, कैसे बनाओगे, सी डबल बॉन्ड N और ये OH, ठीक है, हो गई ये ऑक्सीन फॉर्म हो गई, और ये इसकी नाइट्रोसो फॉर्म हो गई, ठीक है। ये भी आपका कौन से टाइप का सिस्टम है, ट्राइएड सिस्टम, तीन दिख रहे हैं, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन क्या हुआ, कार्बन से आके कहाँ चला गया, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के पास लगे, मीन्स एक अरेंजमेंट ऑफ एटम्स था वो डिफरेंट हो गया, बस आपको बस इसके वैलेंसी ध्यान रखना, वैलेंसी कम मत कर देना कार्बन नाइट्रोजन इन सब की, कम ज्यादा मत करना, कार्बन की वैलेंसी चार ही रखनी है, ठीक है, ऑक्सीजन की दो ही रखनी है, ध्यान रखना, नाइट्रोजन की तीन ही रखनी है, राइट, नाइट्रोसो ऑक्सीजन, क्लियर है,
चलो अब हम लोग पढ़ते हैं कीटोनोल। तो कीटोनोल टोटोमेरिज्म क्या है? ट्राइएड सिस्टम का एग्जांपल। नाउ वी विल स्टडी कीटोनोल टोटोमेरिज्म, कीटोनोल टोटोमेरिज्म। ठीक है, आपको ध्यान क्या रखना है कीटोनोल टोटोमेरिज्म में? सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होता है कीटोनोल टोटोमेरिज्म, यहाँ पे मैंने एच लगाया, सी डबल बॉन्ड टू, ये कीटो फॉर्म है, दिस इज माई कीटो फॉर्म, राइट। अब मैं इसकी इनोल फॉर्म बना देती हूँ। इनोल फॉर्म कैसे बनाऊंगी? ये अल्फा हाइड्रोजन यहाँ रुक जाएगा, राइट, एच, और ये मेरा यहाँ इलेक्ट्रॉन ऐसे शिफ्ट हो जाएगी, देन सी डबल बॉन्ड सी, और ये आपको क्या आ जाएगा, ओ एच। ठीक है, ये मेरी कौन सी फॉर्म होगी? इनोल। दिस इज माई कीटो फॉर्म। तो बेसिकली आपको ध्यान क्या रखना है, कार्बोनिल जो कार्बन है, कार्बोनिल कार्बन के साथ जो अल्फा कार्बन अटैच है, अल्फा कार्बन जो अटैच है कार्बन के साथ, कार्बोनिल के साथ, इट मस्ट बी हैविंग अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन होने बहुत जरूरी, बिकॉज अल्फा हाइड्रोजन ही देखो आपका क्या हो रहा है, मूव कर रहा है। जो अल्फा हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन के पास आया है, मीन्स आपका जो अल्फा कार्बन है विद रिस्पेक्ट टू कार्बोनिल उसमें क्या होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन। और ये जो कार्बन है आपका ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए, ये कंडीशन है आपके कीटोनोल टोटोमेरिज्म दिखाने के लिए। द अल्फा अटैच्ड कार्बन, ऐसे लिख लो, अल्फा अटैच्ड कार्बन जो है, अल्फा अटैच्ड कार्बन, इट मस्ट बी sp3 हाइब्रिडाइज्ड, इट मस्ट बी sp3 हाइब्रिडाइज्ड एंड इट मस्ट हैव अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन शुड बी प्रेजेंट फॉर कीटोनोल टोटोमेरिज्म। कीटो फॉर्म के मीन्स जो कार्बोनिल का जो अल्फा कार्बन है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए, पहली चीज। वो ऐसा नहीं होता वहाँ पहले से डबल बॉन्ड, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। वहां पर क्या होना चाहिए, sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए, प्लस उसमें क्या होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन होंगे तभी तो हाइड्रोजन वहां से उस अल्फा कार्बन से कहाँ पे आ जाएगा, ऑक्सीजन के पास आ जाएगा। इसको बोलते हैं कीटोइनोल टोटोमेरिज्म, ठीक है। इसमें एक एक्सटेंडेड कीटोइनोल टोटोमेरिज्म होता है जिसमें हम गामा क्यूटो को ट्रांसफर करते हैं। इसी में साथ साथ ही लिख लो इसको, फॉर एग्जाम्पल ये जो हमारा केस है कार्बोनिल का, ये जो है इसमें ये पोजीशन इसकी कौन सी है, दिस पोजीशन में अल्फा, दिस पोजीशन में बीटा, ठीक है, दिस पोजीशन में गामा। अब देखो ये जो गामा वाला जो कार्बन है, ये मेरा गामा का, इसके पास ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, दिस इज योर sp3 है, ये तो sp3 नहीं है अल्फा वाला, तो यहाँ से क्या होता है आपका हाइड्रोजन ट्रांसफर होता है, ठीक है, दिस वन। इसका आप क्या बना दो, टोटल में क्या बना दोगे, इसका फिनोल बन जाएगा ना हमारा, फिनोल, ठीक है। इसको बोलते हैं एक्सटेंडेड कीटोइनोल टोटोमेरिज्म, बिकॉज इसमें अल्फा कार्बन जो था हमारा, इसमें जो हमारा अल्फा कार्बन था दैट वाज नॉट sp3, वो sp3 नहीं था, फिर क्या हुआ, लेकिन जो हमारा गामा हाइड्रोजन था वो sp3 था, उसके पास अल्फा हाइड्रोजन भी था, इसलिए हमारा क्या हुआ, इसीलिए वो क्या हो गया हमारा एक्सटेंडेड टोटोमेरिज्म, ठीक है। अल्फा कार्बन जो था इट वाज नॉट sp3 नहीं है, ठीक है, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन नहीं है। ठीक है, लेकिन जनरली जो 99% केसेस में हमारा जो टोटोमेरिज्म अल्फा कार्बन ही दिखेगा। ये ऐसा क्यों दिखा रहा है, ये ऐसा गामा कार्बन क्यों दिखा रहा है इसमें, बिकॉज जो हमारा इसका इनोल फॉर्म बन रहा है ना, ये बहुत स्टेबल है भाई, ये एरोमेटिक आ गया, इसमें एरोमेटिसिटी नहीं है, इसमें एरोमेटिसिटी, तो ये हमारी स्टेबिलिटी की वजह से ऐसा हुआ है, स्टेबिलिटी ड्यू टू एरोमेटिसिटी इसमें एक्सटेंडेड कीटोइनोल टोटोमेरिज्म हुआ है, ठीक है, ठीक है भाई। अब आपको मुझे बताना है कि कौन इसमें टोटोमेरिज्म देगा, कौन नहीं देगा। तो टोटोमेरिज्म से आपको क्या देखना, कंडीशन आपको समझ आएगी, कंडीशन क्या समझ आएगी कि आपको क्या होना चाहिए, अल्फा कार्बन होना चाहिए प्लस अल्फा कार्बन के पास अल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए, ठीक है। और अगर कोई बहुत दूर पे जाके है sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन तो देख लो कुछ ऐसा इफेक्ट आ रहा है एरोमेटिसिटी टाइप, ठीक है। तो अब आपको यू हैव टू टेल मी विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो टोटोमेरिज्म, which of the following will give tautomerism, right? First option देखो आपका, आपको बताना है इसमें tautomerism कौन कौन देगा। First option, ठीक है, tautomerism देगा कि नहीं देगा आपको मुझे बताना है, ठीक है। Second, yes, third, हम्म,
आपको बताना ये टॉटोमेरिज्म देगा कि नहीं देगा, ठीक है। फोर्थ, अब पहले हम लोग ये तो पता कर लें कि टॉटोमेरिज्म देगा कि नहीं देगा, देन हम पढ़ेंगे कि कीटो ज्यादा स्टेबल होगी इनो ज्यादा स्टेबल होगा, वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। ये तो मैं आपको जनरल बता रही थी कीटो टॉटोमेरिज्म जो है वो देगा कौन कौन नहीं देगा, ठीक है। कंडीशन मैंने आपको बता दी है, वो आपको देखना। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, नेक्स्ट एग्जाम्पल भी ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल ई देखो, यस अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बन ये आपको बताना देगा कि नहीं देगा। यस और बताओ, आप बताओ मुझे कौन इसमें देगा कौन नहीं देगा। आपको मुझे बताना है कौन इसमें कंजुगेशन टॉटोमेरिज्म देगा कौन नहीं देगा, जल्दी से बताओ। आपको क्या देखना है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होना चाहिए, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के पास अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, ठीक है। यस, विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो टॉटोमेरिज्म एंड विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट शो। जल्दी से बताओ भाई, चलो मैं बता देती हूँ। देखो यहाँ पे फर्स्ट वाला शो करेगा ये रहा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ऐसे करके ये प्रोटोमेरिज्म शो करेगा। सेकंड वाला भी करेगा सेम चीज, ठीक है। थर्ड वाला, थर्ड वाले में कोई भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन नहीं, तो दिस विल नॉट शो देखो यहाँ पे जो एच है, ये जो एच है ना अल्फा बीटा हाइड्रोजन कार्बन है, ये यहाँ शिफ्ट दिख रहा है ना, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन ये यहाँ आ गया, तो ये दिस विल शो। सिमिलरली इसका जो एच है, ये जो एच है इसका, दिस विल शो मीन्स आपको बेसिकली क्या है, आपके आपके पास आपका sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होना चाहिए और sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के पास अल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, क्लियर है भाई। कौन दिखाएगा कौन नहीं दिखाएगा, कौन दिखाएगा कौन नहीं दिखाएगा, क्लियर है, इज इट क्लियर। आगे मूव करें, इज इट क्लियर, क्लियर है भाई। यस मैम, 18 लोग हो गए, धीरे धीरे सब गायब हो रहे हैं धीरे धीरे, लेकिन ये कीटन और तो हम फिनिश करेंगे आज, देखो छोटा सा ही टॉपिक ज्यादा है नहीं। अब देखो बेसिकली 99% के सॉरी 99 तो नहीं 90% केसेस में आपका जो कीटो फॉर्म होता है ना वो ज्यादा स्टेबल होता है। इसका लाइन आप सीधी बनाना, इसमें थोड़ा सीधा नहीं बनता है कीटो, कीटो और ये आपकी इनोल, ठीक है। 90% केसेस में आपकी कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल होती है। कीटो फॉर्म मींस, कीटो फॉर्म को आप ऐसे बनाओ, ये मैंने एच बनाया राइट, अब इनोल फॉर्म, ठीक है, ये इनोल फॉर्म राइट। हाइड्रोजन को मैंने यहाँ से अरेंज, मतलब एक टाइप से अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इज डिफरेंट, बस ये ध्यान रखना है आपको। फिर क्या ध्यान रखना है कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होना चाहिए और वो उसके कार्बन से अल्फा कार्बन जो हमने लिया है, अल्फा कार्बन भी हो सकता है कोई भी कार्बन हो सकता है, बस उसकी कॉन्जुगेशन पे होना चाहिए, ठीक है। अब देखो ये इसका इसमें कौन कौन से बॉन्ड है, इसमें सी एच बॉन्ड है, ठीक है, और कौन सा बॉन्ड है, कार्बोनिल बॉन्ड है, और कौन सा बॉन्ड है, सी सी बॉन्ड है, ठीक है। इसमें कौन कौन से बॉन्ड है, इसमें भी सी डबल बॉन्ड सी बॉन्ड है, ठीक है, और कौन सा बॉन्ड है, ओ एच बॉन्ड है, और आपको कौन सा बॉन्ड है, सीओ बॉन्ड है,
तो अगर आप इनकी बॉन्ड एनर्जी कंपेयर करते हो, अगर आप कीटो फॉर्मिंग सभी बॉन्ड्स की बॉन्ड एनर्जी कंपेयर करते हो एज कम्पेयर टू दीज बॉन्ड्स, तो आप क्या देखते हो कि इनकी जो एनर्जी है ना वो लेस होती है, लेस एनर्जी एज कम्पेयर टू दिस इनोल्फिन, मोर एनर्जी। इनकी जब आप बॉन्ड एनर्जी कंपेयर करते हो इनकी एनर्जी कम होती है एज कम्पेयर टू इनोल्फिन। कितनी कम होती है? -17 किलो कैलोरी, -17 किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी कीटो फॉर्म की कम होती है एज कम्पेयर टू इनोल्फिन। ये ध्यान रखना आपको, तो एनर्जी कम मीन्स वो ज्यादा स्टेबल हो जाए, स्टेबल। ठीक है, तो आपको क्या ध्यान रखना है, कीटो फॉर्म की -17 किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी इनोल फॉर्म से कम होती है, इसीलिए कीटो फॉर्म 90% केस में आपका स्टेबल होता है। 90% केस में आपकी आपके कोई भी एग्जाम में आ रखा हो कीटो फॉर्म इनोल फॉर्म, तो 90% जो कंपाउंड होता है ना उनमें कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल होती है। क्यों? कीटो फॉर्म में जो बॉन्ड्स है ना आपकी CH बॉन्ड है, CO बॉन्ड है, CC बॉन्ड है, उनके जो बॉन्ड एनर्जी होती है वो कम होती है। तो कम है, अगर आपकी एनर्जी कम है डेट मीन्स आपकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। तो ये आपको ध्यान रखना है, कीटो फॉर्म जो है उसमें आप वो आपकी ज्यादा स्टेबल होगी। ठीक है, अब हम लोग वो केस पढ़ लेते हैं, 90% कंपाउंड्स तो कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगी। अब हम लोग वो केस देख लेते हैं इसमें इनोल फॉर्म ज्यादा स्टेबल होती है। ठीक है, तो पहले आप ये लिख लो, जनरली आप ऐसा लिख लो, कीटो फॉर्म इन जनरल, इन जनरल कीटो फॉर्म इज मोर स्टेबल देन इनोल फॉर्म, इन जनरल कीटो फॉर्म इज मोर स्टेबल देन इनोल फॉर्म, बिकॉज कीटो फॉर्म हैव 17 किलो कैलोरी, कीटो फॉर्म हैव 17 किलो कैलोरी पर मोल लेस एनर्जी देन इनोल फॉर्म। कीटो फॉर्म की 17 किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी कम होती है एज कम्पेयर टू इनोल फॉर्म। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज है, उनकी जो एनर्जी है जो कैलकुलेट हुई है, कीटो फॉर्म की एनर्जी 17 किलो कैलोरी पर मोल कम होती है इनोल से, इसीलिए कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल होती है। ठीक है, अब हमारी इनोल फॉर्म स्टेबल कब होती है? नेक्स्ट, इनोल फॉर्म, बट देखो इनोल फॉर्म स्टेबल कब होगी, या तो कंपाउंड में एरोमेटिसिटी आई, जैसे मैंने आपको फिनोल का एग्जांपल बताया था ना, एरोमेटिसिटी, एरोमेटिसिटी अगर कंपाउंड में आपकी एरोमेटिसिटी आ रही इनोल बनाने से, तो आपका इनोल ज्यादा स्टेबल होगा। सेकंड देखो, अगर आपके कंपाउंड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ रही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिख रही है, कहीं भी आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिख रही हो इनोल फॉर्म में, तो आपकी इनोल फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगी। थर्ड है, अगर आपके कंपाउंड में रेजोनेंस आपको दिख रहा हो, आपको लग रहा है कि अगर आपने इनोल फॉर्म बनाई उस पर रेजोनेंस दिख रहा है, रेजोनेंस दिख रहा है मीन्स वो स्टेबलाइज दिख रहा है कॉन्जुगेशन में, ठीक है, तो आप उसको क्या बोलोगे, वो ज्यादा स्टेबल। फोर्थ है कॉन्जुगेशन, अगर आपका कॉन्जुगेशन बढ़ रहा है, कॉन्जुगेशन का मतलब क्या है, कॉन्जुगेशन मीन्स सिग्मा पाई, इस तरह से आपके बॉन्ड बन रहे ना, पहले सिग्मा फिर पाई फिर सिग्मा फिर पाई, उनकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू दियर कीटो फॉर्म। अब मैं आपको इन सबके एग्जाम्पल्स कराऊंगी, बस आप ध्यान रखो चार इफेक्ट, चार जो इफेक्ट्स हैं, चार वो कंडीशंस हैं जहां पे इनोल, वैसे 90% कंपाउंड में कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल होती है बिकॉज उनकी अंदर जो उनकी एनर्जी होती है वो 17 किलो कैलोरी पर मोल कम होती है एज कम्पेयर टू इनोल फॉर्म, इसीलिए कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगी इन जनरल। बट देर आर फोर इफेक्ट्स लाइक एरोमेटिसिटी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, रेजोनेंस एंड कॉन्जुगेशन, वेर इनोल फॉर्म विल बी स्टेबल। इन चारों जगह पे इनोल फॉर्म आपकी ज्यादा स्टेबल होगी, इन चारों जगह पे हमारी इनोल फॉर्म ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, अब देखो, देखो फॉर एग्जाम्पल, अब मैं आपको केसेस बता देती हूँ एक एक करके, रेजोनेंस के, हाइपर कॉन्जुगेशन के, और आपके एरोमेटिसिटी, एरोमेटिसिटी का तो मैंने बता ही दिया, एक दो इसमें इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट भी होता है। चलो मैं पहले ये एरोमेटिसिटी वाला बता देती हूँ आपको, उसकी एग्जाम्पल बता देती हूँ, जिसमें इनोल फॉर्म, लिख लो केसेस वेयर इनोल फॉर्म इज मोर स्टेबल। फर्स्ट केस आपको मैं वो केस करा रही हूँ जहां पे इनोल फॉर्म ज्यादा स्टेबल है। फर्स्ट देखो, फर्स्ट मैं आपको करा ही चुकी हूँ वैसे तो, इसको फिर से लिख लो आप लोग, फर्स्ट केस ये वाला केस, ठीक है, इसमें आपका इनोल फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगा, वाई ड्यू टू एरोमेटिसिटी, ओवे ज्यादा, ठीक है, क्लियर है भाई। सेकेंड देखो, सेकेंड एग्जाम्पल, इसमें भी आपका इनोल फॉर्म आपकी ज्यादा स्टेबल होगी, व्हाई ड्यू टू एरोमेटिसिटी, क्योंकि इनोल फॉर्म बना लो, सब पे sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन दिख रहा है आपको, इसमें ये रहा sp3 हाइब्रिडाइज्ड, ये रहा sp3, ये रहा sp3, ये रहा sp3, ठीक है, तो इनकी इनोल फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगी, व्हाई ड्यू टू एरोमेटिसिटी, राइट, क्लियर है। थर्ड एग्जाम्पल देखो, थर्ड एग्जाम्पल फिनॉल, सॉरी फिनाइल,
सी डबल बॉन्ड ओ सी एच टू सी ओ सी एच टू, ठीक है। इसको एसीटोफिनोन बोलते हैं ना हम लोग, फिनाइल सी ओ, लेकिन आप ऐसा करो यहाँ पर एक बार फिनाइल लो, अलग हमें तो सारा केसेस लिखने एक साथ, ठीक है। अब इसमें देखो, अगर मैं इसकी इनॉल फॉर्म बनाती हूँ, अगर मैं इसकी क्या बनाती हूँ, इनॉल फॉर्म, इनॉल फॉर्म बना लो इसकी ओ एच, ठीक है। एस पी टी हाइब्रिड कार्बन सी डबल बॉन्ड ओ, एसिटोफिनोल भी मैं कराऊंगी आपको, सी एस थ्री वाला अलग आएगा, पहले फिनाइल ले लो, ठीक है। अब देखो इस वाले में, इस दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल होगा, कौन ज्यादा स्टेबल होगा, ये वाली फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगी। व्हाई? दिस इनॉल फॉर्म इज मोर स्टेबल देन कीटो फॉर्म, क्यों? देखो इसमें क्या हो रहा है, कॉन्जुगेशन। देखो इसमें क्या दिख रहा है आपको, पाई बॉन्ड दिख रहा है, ये सिग्मा है, दिस इज सिग्मा, दिस इज पाई, तो कॉन्जुगेशन ही। लेकिन अगर आप यहाँ देखो सिग्मा पाई, सिग्मा पाई, तो कॉन्जुगेशन आ गया ना इसमें, ड्यू टू कॉन्जुगेशन, ड्यू टू कॉन्जुगेशन दिस इज मोर स्टेबल, ठीक है। और दूसरा रीजन, एक तो कॉन्जुगेशन हो गया, दूसरा रीजन इसमें क्या, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग इनॉल फॉर्म इज मोर स्टेबल, ठीक है। तो इस तरह से आपको जो भी आप इनॉल फॉर्म बनाते हो उसमें देख लो कि क्या इसमें हाइब्रिडाइजेशन, सॉरी एरोमेटिसिटी, इसमें एरोमेटिसिटी तो आई नहीं थी, इसमें एरोमेटिसिटी वाला कंसेप्ट नहीं, इसमें क्या है, कॉन्जुगेशन है, कॉन्जुगेशन में सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई, कॉन्जुगेशन के साथ एक बार सिग्मा एक बार पाई, एक बार सिग्मा एक बार पाई, कीटो फॉर्म में कोई भी आप कॉन्जुगेशन है, सिग्मा के साथ सिग्मा ही है, देखो सिग्मा के साथ सिग्मा ही है, सिग्मा बॉन्ड है ही, तो डेट इज नॉट कॉन्जुगेशन। लेकिन आप इनॉल फॉर्म में सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई बन रहा है, ठीक है, तो वो आपके क्या हुई, कॉन्जुगेशन। प्लस इस वाले जो फॉर्म, इस फॉर्म में क्या हो रहा है, हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला कंसेप्ट भी आ रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, तो हमारी इनॉल फॉर्म ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। तो देखो इतना ही मैं पढ़ाती हूँ आपको, दो चार और एग्जांपल है इसमें, वो हम आपको कल करा देंगे, प्लस हम लोग कल से नेम रिएक्शन स्टार्ट करेंगे, ठीक है, ठीक है भाई, इज इट क्लियर? Yes, नेम ये है, आपको ये बताना है कि कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल होती है। देखो हमेशा कि 90% केसेस में कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल इनॉल फॉर्म से, क्योंकि उसकी जो एनर्जी होती है 17 किलो कैलोरी पर मोल कम होती है इनॉल फॉर्म से, ठीक है, ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, इसलिए कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल है हमेशा ही, जनरली हम ऐसे ही बनाते हैं कीटो फॉर्म। लेकिन कुछ ऐसे केसेस भी हैं जो मैं आपको करा रही हूँ अभी, जिसमें कि इनॉल फॉर्म ज्यादा स्टेबल होती है, क्यों होती है, उसकी रीजन क्या है, या तो एरोमेटिसिटी है, या कॉन्जुगेशन है, या रेजोनेंस है, रेजोनेंस का मैं आपको एग्जांपल करा दूंगी, रेजोनेंस है, या फिर उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो एरोमेटिसिटी की एग्जांपल करा दिया मैंने, कॉन्जुगेशन करा दिया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करा दिया, रेजोनेंस का मैं आपको करा दूंगी, ठीक है। तो ये कुछ कुछ एग्जांपल्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, कीटो इनॉल, ये कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि यू आर ए ऑर्गेनिक स्टूडेंट, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप जो सिंथेसिस पढ़ रहे हो ना, मुझे ऐसा लगा जैसे आपके जो नेचुरल कोड, आपके जो ये पार्ट है 5 मेंबर्स 6 मेंबर्स, इन सब के आपके जो सिंथेसिस वाला पार्ट है ना, प्रिपरेशन वाला, उसमें क्या कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म से बहुत सारी चीजें आपकी हैं, इसलिए मैंने आपको कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म थोड़ा अलग से पढ़ा रही हूँ, ठीक है, ओके। चलो कोई डाउट हो ऐसी क्लास में तो पूछ लो, क्योंकि मुझे लग रहा थोड़ी देर में स्टूडेंट हो जाएंगे, लाइव ही हो जाएंगे। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क। कल हम लोग क्लास नहीं रखेंगे, कल और परसों हम लोग क्लास नहीं रखेंगे, संडे एंड मंडे, मंडे को जन्माष्टमी है, ट्यूसडे को भी मोस्ट प्रोबेबली हम लोग क्लास लेंगे, ठीक है। मंडे ट्यूसडे को तो सही है ना, ट्यूसडे को ले लेंगे क्लास, आप बोलो यस 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 ओके। कोई डाउट है ऐसी क्लास में तो पूछो, ट्यूसडे को क्लास रखेंगे, अभी 2 दिन छुट्टी है हमारी, इंजॉय करो जन्माष्टमी, ट्यूजडे बताओ, ठीक है। कोई डाउट है आज की क्लास में तो बोलो, यस चलो ओके, थैंक यू सो मच।